आज सिटी माय न्यूज़ के साथ मैं हूं तैयबा सकले और मैं हूं उस्मान अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। वीडियो गेम पबजी का जुनून, एक और कीमती जिंदगी निकल गया। लाहौर में वीडियो गेम खेलने से मना करने पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक वालिदैन से झगड़े के बाद 16 साल सोबान ने फंदा लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। माजी में भी 3 नौजवान पबजी की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं, जबकि शिकायत के बाद पीटीए ने गेम पर पाबंदी लगाई लेकिन बाद में फिर से बहाल कर दी गई। आपको बता रहे हैं कि वीडियो गेम पबजी का जुनून, एक और कीमती जिंदगी निकल गया। लाहौर में वीडियो गेम खेलने से मना करने पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक वालिदैन से झगड़े के बाद 16 साल सुबान ने फंदा लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। बाजी में पहले भी 3 नौजवान पबजी की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं। शिकायत के बाद पीटीए ने गेम पर पाबंदी लगाई लेकिन उसको फिर से बहाल कर दिया गया। वीडियो गेम पबजी का जुनून, एक और कीमती जिंदगी निकल गया। लाहौर में वीडियो गेम खेलने से मना करने पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक वालिदैन से झगड़े के बाद 16 साल सोबान ने फंदा लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। माजी में भी 3 नौजवान पबजी की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं। शिकायत के बाद पीटीए ने गेम पर पाबंदी तो लगाई लेकिन उसको फिर से बहाल कर दिया गया। लाहौर में यह वाकया पेश आया जहां पर वीडियो गेम खेलने से मना करने पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक वालिदैन से झगड़े के बाद 16 साल सोबान ने फंदा लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। वीडियो गेम पबजी का जुनून, एक और कीमती जिंदगी निकल गया।